मध्य प्रदेश में इन दिनों पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं की मांग तेज है। इन सब के बीच अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट कर लिखा कि हमारी सरकार जब सत्ता में थी तब हमने पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस ट्वीट के जवाब में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ट्वीट के जवाब में लिखा है कि कमलनाथ जी, जानकारी तो अपडेट कर लिया कीजिए, हमारी सरकार ने तो पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के 8 जुलाई को ही निर्देश दे दिए थे। दरअसल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 8 जुलाई 2020 को पुलिस मुख्यालय में एक बैठक के दौरान पुलिस महानिदेशक बीके जौहरी को निर्देश दिए थे कि पुलिस में लगभग 4,200 पदों की भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ शुरू करें। नरोत्तम ने यह भी कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए नियम कायदे बनाने की कवायद भी जल्द शुरू की जाए, लेकिन इन सब के बीच कोरोना का तेजी से बढ़ता संक्रमण कहीं न कहीं बाधा बन गया और पुलिस मुख्यालय भी अभी यह निश्चित नहीं कर पाया है कि यह भर्ती प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका पहले नाम व्यापम था, के माध्यम से कराई जाए या फिर किसी अन्य संस्था के माध्यम से। इन सब के बीच युवाओं की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर यह मांग तेज होती जा रही है कि मध्य प्रदेश की सरकार जल्द पुलिस की भर्ती करे। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज की सरकार सत्ता में वापसी की है। अब ऐसे में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, देखना है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे क्या नया होगा। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रों से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज़ रूम से। छोटी रिपोर्ट।